हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मटर पनीर की रेसिपी मटर पनीर हमने कैसे बनाया है हम आपको सब कुछ दिखाएंगे आप सभी लोग हमारी वीडियो को पूरा वाच करिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना तो इसको बनाने के लिए हमने लिए हैं चार बड़े प्याज दो टमाटर लहसुन अदरक हरा मिर्च और उबले हुए मटर तो इनको हमने प्याज और लहसुन छील लिए हैं प्याज को हमने कट भी कर लिया है धुल लिया है और हमने यहाँ पर ले ली है आधा किलो पनीर हम लेंगे आधा किलो पनीर से हम इस सब्जी को बनाएंगे पनीर को हम कट कर लेते हैं आप पनीर के पीस अपने पसंद के काट सकते हैं चाहे तो तिरछे काटिए चाहे तो गोल काटिए जैसे आपको पनीर के टुकड़े पसंद हो उसी तरह से आप इसके छोटे छोटे पीस बना सकते हैं छोटे या बड़े दोनों बना सकते हैं उसके बाद हम गैस को ऑन कर देंगे कढ़ाई रख देंगे कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल आप चाहें तो रिफ़ाइंड से भी बना सकते हैं हम यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं दोस्तों सरसों का तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे पनीर पनीर हम फ्राई करेंगे बहुत ज़्यादा हमको पनीर को नहीं भूनना है हम हल्का हल्का ही भूनेंगे पूरा गोल्डन ब्राउन इसको हम नहीं करेंगे ये आपकी पसंद के ऊपर है अगर आप ज़्यादा भूनना चाहते हैं तो पनीर को आप ज़्यादा भून सकते हैं कम भूनना चाहें तो कम भी भून सकते हैं तो हम यहाँ पर इसको बिल्कुल हल्का हल्का सा फ्राई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हम नहीं भूनते हैं दोस्तों अब हम इसको निकाल लेंगे निकालने के बाद हमारी कढ़ाई में जो थोड़ा सा तेल बचा हुआ है तो इसी में हम प्याज और ये जो लहसुन अदरक हमने काट के रखे हैं छील के रखे थे इनको हम फ्राई कर लेंगे इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे पका लेंगे अच्छे से तो ये हमारे प्याज पकने वाले हैं और पकने के बाद हम इनको भी निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे दोस्तों हमको कच्चा प्याज नहीं पीसना है हम प्याज को भून के इसका पेस्ट तैयार करेंगे इस तरह से जब आप सब्जी बनाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी दोस्तों अब हम मसाले निकाल लेते हैं मसाले में हमें लेना होगा हल्दी हमने ले ली है एक चम्मच धनिया पाउडर हमने लिया है दो चम्मच आधा चम्मच हमने यहाँ पर गर्म मसाला लिया है और लाल मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए हमने एक चम्मच ली है आप जितना खाते हैं उतना लीजिए है। और आधी चम्मच हमने यहाँ पर कश्मीरी मिर्ची ली है कश्मीरी मिर्ची डालने से हमारी सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है तड़का लगाने के लिए हमने लिया है तेज पत्ता बड़ी इलायची लौंग और ये सात आठ हमने काली मिर्च ली है एक हरी इलायची और थोड़ी सी जावित्री हमने ले ली है और हमने रेडीमेड मसाला भी मंगाया है आप कोई भी पनीर मसाला का पैकेट एक मंगवा लीजिए छोटा हमारी कढ़ाई में तेल कम है तो हम थोड़ा सा इसमें तेल बढ़ा लेंगे और जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे खड़े मसाले काली मिर्च लौंग तेज पत्ता और छोटी इलायची ये सारे चीज़ें हम डाल कर अच्छे से पका लेंगे जब ये हमारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे तब हम इसमें जो पेस्ट बना के रखा है प्याज का जो हमने प्याज को भुना था वही प्याज है ये उसी का हमने पेस्ट बना लिया है और हम इसको भून लेंगे वैसे भी ये हमारा मन, जो प्याज है थोड़ा सा भुना हुआ है तो इसको भूनने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये बहुत जल्दी भुन जाएगा थोड़ा सा पानी हमने इसमें डाल दिया है ताकि हमारे कढ़ाई में ना चिपके तो देखिए इस तरह से आपको इस मसाले को भूनना है इसको भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये आधा पका हुआ है मसाला प्याज हमारे पके हैं सारे तो अब हम जब हमारा ये मसाला पकने लगेगा तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर जो दो टमाटर मैंने आपको दिखाए थे मैंने इसकी प्यूरी बना ली है और इसी को हम इसी मसाले के साथ पकाएंगे जो हमने सूखे मसाले निकाले थे वो मसाले भी हम इसी पेस्ट में डालेंगे दोस्तों और इसको धीरे आंच पे हम पकाएंगे तेज आंच नहीं करेंगे थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे ये मसाले का पानी है जो हमने कटोरी में लिया है कटोरी को साफ करके अभी हम इसमें टमाटर नहीं डाले हैं अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे जब ये तेल छोड़ने लगेगा तो देखिए मसाला से तेल निकलने लगा है अब हमने इसमें टमाटर डाल दिए हैं टमाटर को भी हम ऐसे ही भूनेंगे टमाटर में भी जब तक तेल नहीं आता तब तक हम इसको भूनते रहेंगे इसको भूनने से पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे ताकि ये हमारे जो मसाले हैं बहुत जल्दी से भून जाए नमक जब हम डाल देते हैं तभी हमारा मसाला अच्छे से पकता है और उसमें तेल भी निकलना शुरू होता है दोस्तों तो नमक आप मसाले में ही डालकर पकाइए इससे आपकी सब्जी का टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है लगातार इसको चलाते रहिए आपकी कढ़ाई में मसाला चिपक ना जाए इसलिए आपको लगातार इसको चलाते रहना है और गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल स्लो कर देना है अब आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले का कलर चेंज हो गया है और तेल भी निकलने लगा है तो अब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए मटर जो हमने उबाल के रखे थे ये हमारे मटर आधे पक चुके हैं और इसको पकाने में हमारी सब्ज़ी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमारी मटर भी आधी पकी हुई है तो देखिए हमने मटर को भी अच्छे से डाल दिया है और इसको चला दिए हैं अभी हम इसमें डाल देंगे पानी पानी आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ही डालिए अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए हो तो आप ज़्यादा पानी डालें हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा पतली सब्जी नहीं बनानी है हमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं करनी है अपनी सब्ज़ी में हम थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी ही सब्जी बनाना चाह रहे हैं दोस्तों तो हम दो कटोरी पानी हम इसमें डाल देंगे और कढ़ाई को हम ढक्कन लगा देंगे थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक के पकाएंगे करीब दस मिनट हमारी सब्ज़ी ऐसे ही ढक के पकेगी गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है बहुत स्लो गैस नहीं रखनी है मीडियम फ्लेम पे हम अपनी सब्जी को दस मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे दस मिनट के बाद हम फिर से ढक्कन उठा कर देखेंगे तो देखेंगे कि हमारी सब्जी पक रही है अभी हमने इसमें पनीर नहीं डाला था फ्रेंड्स अब हम इसमें पनीर डाल देंगे क्योंकि हमारी ये जो सब्ज़ी है उबल चुकी है पूरी तरह से और उबली हुई सब्जी में हम पनीर डालेंगे पहले अगर हम पनीर डालते तो हमारी सब्ज़ी में उतना टेस्ट नहीं आता अब हम बाद में पनीर डालेंगे क्योंकि पनीर हमारी पकी हुई है हमने इसको फ्राई कर लिया है अब हम पनीर भी इसमें डाल देंगे पनीर डालने के बाद थोड़ा सा हम इसको चला देंगे और तीन चार मिनट के लिए हम फिर से इस पर ढक्कन लगाकर इसको ढक देंगे ये हमने सारे पनीर के टुकड़े डाल दिए हैं आप देख रहे हैं कि इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है कलर के साथ साथ सब्जी से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों हमने आपको बहुत सरल तरीके से मटर पनीर की सब्ज़ी बनाना बताया है अब हम इस पर ढक्कन लगा देंगे ढक्कन को हम दो तीन मिनट तक ऐसे ही बंद रखेंगे दो तीन मिनट के बाद हम फिर से ढक्कन को हटा लेंगे और देखेंगे कि हमारी सब्जी पक चुकी है हमारे पास अगर धनिया है तो हम धनिया को छोटा छोटा काट के ऊपर से डाल देंगे तो धनिया हमने काट के रख ली है दोस्तों अब हम धनिया को भी डाल देंगे गैस को हम बंद कर देंगे हमारी सब्जी बनकर तैयार है हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके आइकन को भी दबा देना हमारी वीडियो को पूरा वाच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखा आपने हमारी सब्जी पूरी तरह से बनकर रेडी है आप इसको चाहे तो चावल के साथ खाएं रोटी के साथ खाएं ये आपको बहुत टेस्टी लगेगी दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट